A very good morning, dear student. This is your SST period. Today in geography we will do tick the correct and question answer of lesson number 3, minerals and power resources. So let's start. Come to the question number 1. Which one of the following is not a characteristic of minerals? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा mineral का characteristic नहीं है. So answer is they are inexhaustible. यानी कि ये कभी finish नहीं होंगे. कौन? मिनरल्स. तो ये क्या है? मिनरल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि अगर हम मिनरल्स को केयरफुली या वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो एक दिन ये भी क्या है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड? यानी कि आपको बताना है कि जो मेजर लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का वर्ल्ड में वो कौन है या कौन सी कंट्री है. तो वो है चिले. ये कंट्री के कहाँ है? साउथ अमेरिका में. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन? यानी कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है, यानी कि जिसको हम यूज़ करते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है जो कि क्या है, एलपीजी को कंजर्व नहीं करता है हमारी किचन में. यानी कि आप किस मेथड से कुकिंग कर रहे हो जो आपकी किचन में एलपीजी को कंजर्व नहीं करता है. सो आंसर इज कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम. अगर आप एक ओपन पैन में कुकिंग कर रहे हो, किस पे? लो फ्लेम पे, यानी कि कम आंच पे एक ओपन पैन में कुकिंग कर रहे हो, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस क्या है, एलपीजी को कंजर्व नहीं करता है हमारी किचन में, इन योर किचन. अगर हमें एलपीजी कंजर्व करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, पैन की जगह प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या है, हमारी एनर्जी या जो हमारी एलपीजी है वो क्या होगी, कंजर्व होगी. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू एवरीडे. आपको 3 कॉमन मिनरल्स बताने जिसको आप क्या करते हो, एवरीडे यूज़ करते हो. आंसर इज सॉल्ट, जो कि हम क्या है, फूड में यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम एंड गोल्ड आर द कॉमन मिनरल्स दैट आर यूज बाय ह्यूमन ऑन अ रेगुलर बेसिस. यानी कि जो सॉल्ट है, पेट्रोलियम है और गोल्ड है, इनको ये क्या है, हमारे कॉमन मिनरल्स है जिनको क्या ह्यूमन रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. यानी जैसे सॉल्ट है उसको हम डेली यूज़ कर रहे हैं अपने फूड में, पेट्रोल है जिसको हम क्या है, आप स्कूल्स आ रहे हो बस से तो आप क्या कर रहे हो, हम कहीं ना कहीं पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप कर रहे हैं स्कूल बाय स्कूटी या बाय बाइक मोटरसाइकिल, तो क्या करें, पेट्रोल यूज़ करें. एंड गोल्ड, गोल्ड आपकी मदर एज अ ज्वेलरी यूज़ कर रही है गोल्ड को, तो ये सारे के हमारे कॉमन मिनरल्स हैं जिनको क्या है, ह्यूमन यूज़ करता है रेगुलर बेसिस पे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ एन ओर? वेयर आर द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड? ओर क्या है और ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? आंसर इज ओर आर द रॉक्स विच आर माइंड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम देम. यानी कि ओर क्या है, एक रॉक है जिनको माइन किया जाता है मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि मिनरल्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर को क्या किया जाता है, माइन किया जाता है. द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. यानी कि जो ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स है ये हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पे मिलते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. नेम 2 रीजन विच रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज. आपको 2 रीजन्स बताने हैं जो किसमें रिच है, नेचुरल गैस रिसोर्सेज पे, यानी कि जहाँ पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज क्या है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में. सो आंसर इज द यूनाइटेड किंगडम एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस. यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड 2 कंट्री हैं, ये क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है किसके, नेचुरल गैस के. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर? यानी कि आपको कुछ एरियाज़ दिए गए हैं, रूरल एरियाज़, कोस्टल एरियाज़ और एरिड रीजन्स. ठीक, तो आपको बताने कि इन एरियाज़ पे, इन रीजन्स पे कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सुटेबल होंगे. सो आंसर इज, तो हम देखते हैं रूरल एरियाज़ सबसे पहले बात करते हैं. फर्स्टली टॉक अबाउट रूरल एरियाज़. इन रूरल एरियाज़ कोल, सोलर एनर्जी, बायोगैस एंड फायरवुड कैन बी यूज़ एज सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि जो विलेज वाले जो एरियाज़ हैं, रूरल एरिया उनको कहते हैं विलेज एरिया, यहाँ पे कोल, सोलर एनर्जी और बायोगैस और फायरवुड, इनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इन कोस्टल एरियाज़,
कोस्टल एरिया वो एरियाज़ होते हैं जो कि क्या है सी, जो हमारे सी हैं उनके आसपास होते हैं। जैसे केरल का जो एरिया है वो भी हमारा क्या है कोस्टल एरिया है, वो क्या है सी के पास है। ठीक है, तो इन एरियाज़ में आप कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सकते हो? इन कोस्टल एरियाज़ विंड पावर, पेट्रोलियम एंड टाइडल पावर कैन बी यूज्ड। कोस्टल एरियाज़ में विंड पावर, पेट्रोलियम और टाइडल पावर को यूज़ किया जा सकता है। नाउ इन एरिड रीजन, एरिड रीजन या एरिड एरियाज़ जियोथर्मल पावर एंड सोलर एनर्जी आर सुटेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एरिड रीजन वो होते हैं जहाँ पे क्या होता है लैक ऑफ वाटर होता है या लैक ऑफ रेनफॉल होता है, यानी कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या होता है कम होता है या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि वाटर की शॉर्टेज होती है, उन एरियाज़ को हम एरिड एरियाज़ कहते हैं। इन एरियाज़ पे हम जियोथर्मल पावर, सोलर एनर्जी को क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, गिव 4 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। आपको 4 वेज बताने जिनसे आप क्या कर सकते हो एनर्जी को सेव कर सकते हो अपने होम पे। फर्स्ट वन इज़ यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, यानी कि आप क्या कर सकते हो प्रेशर कुकर को यूज़ कर सकते हो कुकिंग के लिए। जैसे कि अभी आपको टिक द करेक्ट में बताया कि आप ओपन पैन की जगह क्या है प्रेशर कुकर को यूज़ कीजिए किसके लिए, फॉर कुकिंग। सेकेंड वन इज स्विच ऑफ द लाइट्स, टीवी एंड फैन व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। आपको लाइट, टीवी और फैन क्या करने हैं ऑफ करने हैं जब उनका कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि आप अपना रूम लीव करने से पहले क्या कर सकते हो अपने रूम की लाइट, फैन और टीवी को क्या कर सकते हो स्विच ऑफ कर सकते हो। थर्ड वन इज़ वॉकिंग और यूजिंग बाईसाइकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप या तो वॉक कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो बाईसाइकिल को यूज़ कर सकते हो। फोर्थ वन इज़ मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर एंड लिफ्ट्स। एसी यानी कि एयर कंडीशनर और लिफ्ट का क्या है यूज़ मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि उसको कम से कम उसका यूज़ करो ताकि हम क्या कर सकें एनर्जी को सेव कर सकें अपने होम पे। सो स्टूडेंट टुडे यू हैव टू राइट टिक द करेक्ट एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू गिव रीजन एंड डिस्टिंग्विश ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।